हेलो दोस्तों, जय सच्चिदानंद जी। स्वागत है आपका मैजिक ऑफ टेस्ट में। आज हम बनाएंगे बेसन की टिकिया की बहुत ही यूनिक सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इसमें हम बेसन की टिकिया बनाते हैं और उन्हें ग्रेवी में पकाते हैं। यह सिंधी स्पेशल सब्जी है और अगर आपने एक बार ये सब्जी अपने घर में बना ली तो आप बार बार यही सब्जी खाना पसंद करेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी। और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में एक कटोरी बेसन लेंगे और एक प्याज काट के इसमें डालेंगे, दो हरी मिर्ची डालेंगे, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अनारदाने हम इसमें डालेंगे। और फिर कुछ मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और हरी मेथी कट करके डालेंगे, हरा धनिया इसमें डालेंगे और फिर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसमें मोइन देंगे बेसन में, ताकि सॉफ्ट सी कुरकुरी सी टिकिया बने। फिर इस आटे में ज़रा सा पानी लेके, हाथ में थोड़ा सा ही पानी लेना है और फिर हमें इस बेसन को गूंथ देना है टाइट सा। देखिए ये बेसन गूंथ गया। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम ग्रेवी बना देते हैं। गैस पर हम एक बर्तन रखेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे, जो भी ऑयल आप घर में खाते हैं वो डालेंगे। फिर दो प्याज काट के हम इसमें डाल देंगे और फिर प्याज को 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक थोड़ा सा प्याज का कलर पिंकिश हो जाता है। उसके बाद में इसमें कुछ मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर हम इसमें डाल देंगे। दो हरी मिर्ची भी हम इसमें डालेंगे। अब प्याज धीरे धीरे मसालों के साथ पक रहा है, फिर हम इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे क्योंकि प्याज अब कहीं जल ना जाए। फिर हम 2-3 टमाटर कट करके इसमें डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इस ग्रेवी को बनने देंगे लो फ्लेम पर। तब तक हम इस बेसन की गोल गोल टिकिया बना देंगे, छोटी छोटी टिकिया, पतली पतली बनाएंगे। देखिए ये सारी टिकिया हम बना रहे हैं। एक कटोरी बेसन से करीब 10-12 टिकिया बन के तैयार हो जाती हैं। अब हम थोड़ा सा ग्रेवी को भी देखते हैं। ढक्कन हटा के देखेंगे, टमाटर सॉफ्ट पड़ गए हैं। वह हम चम्मच से थोड़े से टमाटर और प्याज की ग्रेवी को थोड़ा सा मैश करते हुए भून लेंगे। हमें गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, नहीं तो ये ग्रेवी जल जाएगी और धीरे धीरे ऑयल भी साइड से रिलीज होने लग जाता है। देखिए कितनी टेस्टी ग्रेवी लग रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी को हल्का सा पतला करने के लिए, क्योंकि अब हमें इसमें टिकिया डाल के टिकिया को भी थोड़ी देर स्टीम देना होता है। देखिए अब हमने जो टिकिया बना के रखी हुई है वो एक एक करके टिकिया हम इसमें रखते जाएंगे और इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही ढक्कन लगाकर बनने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब हम इसे ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट के बाद हम एक एक टिकिया को देखेंगे। टिकिया आपस मसाले में भून रही हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लग रही हैं। हमें बिल्कुल धीरे हल्के हाथों से ही टिकिया को हिलाना होता है, नहीं तो ये टूट जाती हैं। ये देखिए टिकिया थोड़ी सॉफ्ट पड़ गई है, नीचे से क्रिस्पी भी हो गई है। अब हम करीब इसमें 1-1.5 कटोरी के करीब पानी डालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टिकिया बनती जाती है, पकती हैं, तो ये पानी सोखती जाती हैं। देखिए पानी काफ़ी सोख लिया टिकिया ने और टिकिया अच्छी तरह पक भी गई हैं। देखिए ये टेस्टी खाने में सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप प्लीज़ घर पे ये सब्जी ज़रूर बनाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। डिलीशियस सिंधी बेसन की टिक्की की सब्जी। थैंक यू।